आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो नगेट्स। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो नगेट्स। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने दो आलू लिए हैं, बॉयल करके हमने मैश कर लिया है। हमें आलू में जो चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने लिया है थोड़ी सी 3 हरी मिर्चें लिए हैं, इन्हें हमने चॉप कर लिया है। यहाँ हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। यहाँ हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। ये हमारा ग्रीन पार्ट है। अरे कुछ मसाले हैं, यहाँ हमने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून लिया है हमने कुटी हुई लाल मिर्चें। आलू के अंदर हमने ग्रीन पार्ट और मसाले ऐड कर दिए हैं। हम अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। स्मॉल साइज़ का नींबू लिया है, हम उसे निचोड़ देंगे। हम आलू मिक्स करने के बाद इस तरीके से गोल टिकिया बना लेंगे। हमने आधा कप बेसन लिया है, इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे। बेसन में जो मसाले शामिल करने हैं जो कुछ यूँ, बेसन के अंदर हमने जो मसाले डाले थे उसके अंदर पानी डाल के हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम कबाब, हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हो चुके हैं। आप घर पे ज़रूर तैयार रेडी कीजिए। पोटैटो नगेट्स तैयार हो चुके हैं हमारे, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।